नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मैं हूं रविशंकर सिन्हा और आप हम बात करेंगे, आज चुनाव से जुड़ी हुई बात करेंगे। और इसमें हम बता दें कि आपको बिहार विधान परिषद का जो चुनाव होना है, कोसी स्नातक निर्वाचन का जो चुनाव होना है, उसको लेकर के सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। और इसको लेकर जो वर्तमान के MLC रहे हैं वो डॉक्टर NK यादव, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी इस बार भी हैं, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नीतीश यादव हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से प्रदीप कुमार सिंह चुनावी मैदान में हैं। इसके साथ ही कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं जो इस बार कोसी स्नातक निर्वाचन में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे आए हैं। हम आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को कोसी निर्वाचन का जो कोसी स्नातक निर्वाचन का चुनाव होना है। और इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि चुनाव के बाद मतगणना 12 नवंबर को होगी, जो बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद की तिथि इसकी रखी गई है। नॉमिनेशन का कार्य पूरा हो चुका है, 8 अक्टूबर को इसके लिए नाम वापसी की भी तिथि संपन्न हो चुकी है। और मैदान में जो भी प्रत्याशी हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, सभी अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए लगातार प्रयास कर रहे हैं और जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हम आपको बता दें कि जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव राणा कुमार झा इस बार चुनावी मैदान में है, जो शिक्षकों के हित में कार्य करने की बात कर रहे हैं, जो अब तक कई कार्य नहीं हुए जो अपेक्षा थी, लेकिन अब तक जो जिन्हें भी मौका मिला, जिन्हें भी मतदाताओं ने, शिक्षक मतदाताओं ने मौका दिया, वो कार्य पूरा नहीं हो सका। ऐसा इनका कहना है कि उन सभी कार्यों को फोकस करते हुए ये उस आगे उसको आवाज उठाएंगे और इस कार्यों में आगे बढ़ेंगे। हम आपको बता दें कि शिक्षक संघ के ओर से लगातार ये अपनी बातें शिक्षकों के हित में रखते रहे हैं, जोर शोर से बातें उठाते रहे हैं। सरकार के समक्ष कई बार ऐसे भी मौके आए हैं जब सरकार को बात देकर इन सभी के आंदोलन, इन सभी की आवाज के सामने झुकना पड़ा है और शिक्षकों के हित में कई बेहतर कदम भी उठाने पड़े हैं। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी दावे के साथ राणा कुमार झा इस बार मैदान में है कि शिक्षकों के हित में लगातार कार्य करने की बात करते हुए जो अब तक जनप्रतिनिधियों ने काम नहीं किया, उन सभी कार्यों को मुख्य रूप से फोकस करके काम करने के लिए। तो हम इस संबंध में जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं और क्या कुछ इस कोसी स्नातक निर्वाचन में जब जनता इन्हें अगर अपना समर्थन क्यों दे और इनकी क्या प्राथमिकता है। जी सर, आपको सबसे पहले से कोसी स्नातक निर्वाचन में आप हिस्सा ले रहे हैं, इसके लिए तो बधाई हो, लेकिन आप इस बार आपको जनता जो है, जो मतदाता है, वो आपको क्यों इसके लिए मौका दें, आप सबसे पहले ये बताएं प्लीज। सबसे पहले तो मैं अल्लाह और ईश्वर दोनों के प्रति अपने सहानुभूति, अपना स्नेह प्रकट करते हुए यह कहूँगा कि इन लोगों में ईश्वर ने जो मुझे यह सद्बुद्धि दिया कि मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ूँ, इसके लिए मैं ईश्वर के सामने नतमस्तक हूँ। आपने पूछा कि क्यों लड़ेंगे। आप अभी बोल रहे थे कि इस विधान कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के हमारे जो माननीय सदस्य हैं, विगत 6 वर्ष उनका कार्यकाल रहा और 6 वर्ष के कार्यकाल में शायद संपूर्ण जिले के अगर 1-2% शिक्षकों ने उनका चेहरा देखा होगा तो देखा होगा, 98% शिक्षकों ने उनका चेहरा तक नहीं देखा। आपने देखा कभी 78 दिनों का हड़ताल, इतना जोरदार आंदोलन शिक्षकों का चला, क्या 78 दिन में 7 सेकेंड का भी फुर्सत था क्या हमारे माननीय को? 78 दिन में 7 शब्द भी उनके पास थे क्या हमारे माननीय को? 78 दिन में 7 सेकेंड भी उनकी उपस्थिति मेरे बीच में रही क्या? 78 दिन के कार्यक्रम में, हड़ताल में 78 शिक्षक हमारे कार्यकल्पित हो गए, एक बार भी उन्होंने आ भी भरा क्या शिक्षकों के प्रति, संवेदना भी व्यक्त की क्या कभी शिक्षकों के प्रति? नहीं, इसलिए नहीं कि शिक्षकों से उन्हें कोई तल्लुकात नहीं है, शिक्षकों के प्रति उनके मन में कोई दुख दर्द नहीं है। मैंने जब इन सारी बातों को गहराई से देखा और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सारे शिक्षकों ने जब देखा तो सारे शिक्षकों के मन में यह भाव उठी कि क्यों नहीं हम अपना मत अपने स्वयं लें और अपना उम्मीदवार चुन करके अपना जो है विधान परिषद में भेजें, ताकि वहां जा करके हमारी आवाज को उठावे, हमारी आवाज को बुलंद करे और हमें जो है सरकार से हमारी मांगों को की पूर्ति के लिए सरकार को बाहिर करने का काम करे। तो यहाँ हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जो
वर्तमान में एमएलसी जो निवर्तमान एमएलसी हैं उन पर ये निशाना साध रहे हैं और ये राजनीतिक हित साधने के लिए ये लोग मैदान में आते हैं, ऐसा इशारा इसी तरफ इनका है कि राजनीतिक हित साधने के लिए तो राजनीतिक दलों के लोग इस क्षेत्र में आते हैं। लेकिन सही मायने में जिस कारण से यह चुनाव होता है, जो उत्तरदायित्व होता है, कोसी निर्वाचन स्नातक निर्वाचन के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका, वो पूरा नहीं हो सका। शिक्षकों के हित में जो कार्य किए जाने थे वो कार्य अब तक फिलहाल पूरा नहीं हुआ। तो सर आपकी क्या प्राथमिकता होगी चुनाव को? मैं आपको बता दूं, आपने कहा राजनीतिक दल की बात, यह बुद्धिजीवियों का चुनाव है और बुद्धिजीवी समझते हैं कि यह जो सदन है बिहार विधान परिषद का जो सदन है, इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई मतलब कोई तल्लुकात नहीं है। आप जान रहे हैं इसमें अलग अलग फ्रैक्शन सेगमेंट बता हुआ है। एक टीचर सेगमेंट है, टीचर सेगमेंट से चुनाव जीत करके लोग जाते हैं और शिक्षकों के प्रति बात करते हैं, वहां जाकर के वे उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय के संबंध में बात करते हैं। हालांकि हमारे जो वर्तमान शिक्षक प्रतिनिधि हैं संजीव जी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि हड़ताल अवधि में भी उन्होंने जो शिक्षकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, शिक्षकों के प्रति जो उनका लगाव रहा, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन हमारे प्राथमिक शालाओं से अभी तक कोई भी शिक्षक न तो इसमें चुनाव लड़ने का हिम्मत किया था और न चुन करके गया था। परिणाम क्या हुआ कि हमारे पक्ष में मजबूत बात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हुआ। अभी हड़ताल, संपूर्ण हड़ताल के समय जो सरकार के द्वारा प्रताड़ना हमको मिली, जो सरकार के द्वारा हमें हमारे मानसिकता का शोषण किया गया, उन सबके खिलाफ, उन सबके विरुद्ध हम लोग जो आवाज उठाने के लिए 14 जिले के शिक्षकों ने यह तय किया, 14 जिले के शिक्षक संगठनों ने यह तय किया, इस बार राणा कुमार। और मुझे 14 जिले के शिक्षकों से अपूर्व समर्थन प्राप्त है। आज मेरा कार्यक्रम कटिहार जिले में है, लोग तन मन धन से हमारे साथ हैं, हमारे साथ लगे हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग समर्थन देंगे और अपनी आवाज को स्वयं बिहार विधान परिषद में उठाएंगे और उनकी अपनी आवाज जब बिहार विधान परिषद में गूंजेगी तो बिहार सरकार को मजबूर होना पड़ेगा उनकी मांगों को मानने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए। तो इनका साफ यह कहना है कि शिक्षकों के समर्थन से और शिक्षकों के आह्वान पर शिक्षकों और शिक्षा के हित में कार्य करने के लिए इस बार चुनावी मैदान में आए हैं, कोसी स्नातक निर्वाचन में ये हिस्सा ले रहे हैं, जिससे कि सदन में शिक्षक और शिक्षा के उत्थान से जुड़ी हुई बातें उठाई जा सके, उसके लेके आवाज बुलंद की जा सके, जिससे कि सरकार इसके प्रति सजग हो और सही मायने में शिक्षा के सुधार और शिक्षकों के हित के लिए कार्य किया जा सके। तो इस प्राथमिकता और साथ ही इनका यह दायरा है कि कोसी स्नातक के जो भी 14 जिले हैं, वो जितने भी मतदाता हैं, शिक्षक मतदाता हैं, उन सबों का इन्हें पूरा समर्थन है, उन सबों के आह्वान पर यह चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए इनका दावा है कि इस बार के कोसी स्नातक निर्वाचन में ये चुनकर आएंगे और इसके साथ ही सदन में आवाज उठा पाएंगे, जिससे कि शिक्षकों के हित में और शिक्षा के बेहतरी के लिए कार्य किया जाए। सर क्या ऐसे कार्य होंगे जो आपका बदलाव करना चाहेंगे जो अब तक नहीं हुआ? आप विभाग से अच्छे से जुड़े हुए हैं, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप लगातार हमारे किसी भी आंदोलन में आपकी सहभागिता रहती है, आप बहुत करीब से जान रहे हैं। अब जो शिक्षा विभाग की स्थिति सरकार ने बना दी है, आप स्पष्ट सामने परिलक्षित होता है कि वर्तमान सरकार को शिक्षा विभाग से, सरकारी विद्यालयों से, सरकारी शिक्षकों से कोई तल्लुकात नहीं रह गया है। जबकि संपूर्ण बिहार के, नहीं संपूर्ण भारतवर्ष के 85% आबादी के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं इस सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालयों में, मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में और उच्च विद्यालयों को उच्चतर विद्यालयों में प्रोन्नत कर दिया। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हो गया, अच्छे अच्छे खेल के भी पैसे मिल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है वहाँ शिक्षक नहीं है, जो शिक्षक जो भी पढ़ाएंगे उसकी व्यवस्था नहीं है, और जब शिक्षक की व्यवस्था नहीं है तो शैक्षणिक व्यवस्था का क्या माहौल होगा? आपने देखा कि हमारे शिक्षक वर्तमान में भी, जो हमारे शिक्षक हैं, उनसे सरकार शैक्षणिक व्यवस्था के इतर अन्य कार्य लेना ज्यादा पसंद करती है, विद्यालय से उनको दूर रखने का कार्य करती है। आपने देखा मध्याह्न भोजन योजना, क्या हमारे शिक्षक रसोईया हैं, वे सवेरे उठते हैं अपने घर की सब्जी लाने की बात दूर रहे, विद्यालय के लिए बच्चों के लिए सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। हमारे शिक्षक ठेकेदार हैं,
वो बिल्डिंग में उनको लगाया गया है, वो सीमेंट और बालू खरीदने में लगे हुए हैं, सारा कार्य जो है वो हमारे शिक्षकों से लिया जाता है, लेकिन शिक्षकों के प्रति सरकार की कोई अच्छी सोच नहीं है। इन सारे बातों को देखते हुए इस बार शिक्षक संगठन ने, बिहार के तमाम शिक्षक संगठन ने यह निर्णय लिया है, इस बार हमारे प्रतिनिधि जाएंगे और जो हमारे प्रतिनिधि सदन में जाएंगे तो मैं अपनी बातों को मजबूती से उठाऊंगा। आपने देखा नियोजित शिक्षकों के साथ समान कार्य समान वेतनमान की बात, वहां तो हाथ खड़े कर देते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, बिहार सरकार के पास पैसे नहीं है, चलिए ठीक है हम लोग उस पर बाद में बात कर लेंगे। लेकिन जो बगैर पैसे की बात है, जिसमें सरकार का एक नया पैसा खर्च नहीं होना है, सेवा सर भी बनाने में बिहार सरकार ने जो कार्य किया है वह तो सबके सामने परिलक्षित हो रहा है। उन्होंने लिख दिया प्रोन्नति, कैसे आप प्रोन्नति दे दीजिएगा, कौन सी व्यवस्था है प्रोन्नति का, आपने लिख दिया स्थानांतरण, कौन सा व्यवस्था स्थानांतरण का, आपने नियोजन इकाई को भंग नहीं किया है, आपका नियोजन इकाई आज भी पंचायत है, आज भी प्रखंड है, आज भी नगर है, आज भी जिला परिषद है, अब जिला परिषद के शिक्षकों का प्रोन्नति मिलेगी और कहां पद स्थापित कीजिएगा। नियोजन इकाई अलग अलग है, अलग अलग नियोजन इकाई में आप स्थानांतरण कर नहीं सकते हैं, आप पदस्थापन कर नहीं सकते हैं, तो क्या शिक्षक ही बेवकूफ है, क्या शिक्षक इस बात को नहीं समझ रहा है, आप हमारी सेवा सर हमको दे रहे हैं कि हमें बेवकूफ बना रहे हैं, तब बिहार का शिक्षक बेवकूफ नहीं है। बिहार के भले बिहार सरकार में रहने वाले जो नुमाइंदे हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनके लिए किसी योग्यता का निर्धारण नहीं है, लोकतंत्र में यह अकेला चुनाव है, भारत के लोकतंत्र में यह अकेला चुनाव है जहां डिग्री की मान्यता होती है, इसके मैं सदस्य भी डिग्रीधारी हूं कि प्रोन्नति में होना क्या है, लेकिन आपको पता है, आप राणा कुमार झा हैं, आपको पता है कि प्रोन्नति की क्या प्रक्रिया होगी, आपको पता है स्थानांतरण की क्या प्रक्रिया होगी, आप अपनी बात स्वयं वहां रखेंगे, स्वयं पदाधिकारी से बात करेंगे और सेवा शर्त में सबसे पहला सेवा शर्त में सुधार कराना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, चाहे सरकार किसी की बने, मैं किसी सरकारी तंत्र के साथ नहीं रहूंगा, मैं किसी सरकारी दल के साथ नहीं रहूंगा, मैं शिक्षकों के साथ था, शिक्षकों के साथ हूं और शिक्षकों के ही साथ रहूंगा। तो इनका कहना है कि शिक्षकों के साथ था और शिक्षकों के साथ ही आगे भी रहूंगा, कृषि स्नातक निर्वाचन में जो शिक्षकों का जो समर्थन के जो आश्वासन मिल रहे हैं, जो बात कही जा रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, तो उसके लिए इनका साफ कहना है कि एक प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला के जो प्रधान सचिव हैं, तो उसके तौर पर इन्होंने शिक्षकों के मामले में कभी भेदभाव नहीं किया, किसी तरीके से उनके हर बातों को सुना और जो भी संघ के द्वारा जो भी बात लाई गई, जो भी शिक्षकों की समस्या से जुड़ी हुई बात लाई गई, शिक्षकों के हित में जो भी बात लाई गई, तो उस बातों को इन्होंने बुलंदी के साथ उठाया है, उसके लिए लगातार कार्य करते रहे। हम आपको बता दें कि अभी हम जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यालय में ही मौजूद हैं और यहाँ पर भी इनके कार्यकाल में कई ऐसे विकासात्मक कार्य किए गए हैं। तो और इनका यह साफ कहना है कि शिक्षकों के हित में जब कार्य किया है तो आगे अगर शिक्षकों का समर्थन स्नातक चुनाव में मिलता है, स्नातक जो भी कोशिश स्नातक के जो भी निर्वाचन के जो भी मतदाता होंगे उनका समर्थन मिलने के बाद जब ये सदन जाएंगे तो शिक्षा और शिक्षकों के हित में लगातार बात करते रहेंगे। राजनीतिक दलों से इनका कोई सरोकार ना है और इनका दावा है कि आगे भी राजनीतिक दलों से इनका कोई सरोकार नहीं होगा, यह शिक्षकों के लिए लड़ते रहे हैं और शिक्षकों के हित में आगे भी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। तो इनका साथ ही इन्हें इसका पूरा भरोसा ये जता रहे हैं कि इन्हें शिक्षकों का पूरा समर्थन मिलेगा कोसी स्नातक निर्वाचन चुनाव के दौरान, जो 101,662 मतदाता हैं, तो वो पूरी तरीके से इस चुनाव के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम आपको बता दें कि कुल 188 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और पूर्णिया प्रमंडल के जो आयुक्त हैं वे निर्वाची पदाधिकारी इसके होते हैं। इसके अलावा जो भी 14 जिले हैं, जो भी निर्वाचन क्षेत्र का जो भी जिला है, वो सभी चारों प्रमंडल के वहाँ सभी जिलाधिकारी इसके निर्वाची पदाधिकारी होते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए 22 अक्टूबर को मतदान की तिथि चुनाव आयोग की तरफ से तय की गई थी, जिससे कि विधानसभा का जो चुनाव होना है वो उसमें कोई व्यवधान न आए कि, और इसको ध्यान में रखते हुए कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र काफी बड़ा एरिया है, 14 जिले, एक लगभग करीब आधा बिहार जो होता है, आधे बिहार के आसपास के ये जिले जाते हैं, 38 जिले हैं जिसमें से 14 जिले केवल
कोसी स्नातक निर्वाचन में है, तो इसको लेकर हम एक बार फिर से बता दें 188 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और पूर्णिया के जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं वो इसके निर्वाची पदाधिकारी होते हैं, उनकी देख रेख में सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और अब मतदान की तैयारी अंतिम दौर में है, मतदान होना है और इसको लेकर के जो भी इसमें प्रत्याशी मैदान में आए हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और हालांकि दावे सभी के अपने अपने हैं, जीत के दावे तो सभी कर रहे हैं लेकिन शिक्षकों का वास्तविक सहयोग किनको मिल पाता है या तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा, चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल जो प्राथमिक शिक्षक संघ से जो प्रत्याशी हैं, शिक्षकों के समर्थन से जो कृषि स्नातक क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं राणा कुमार झा, इन्हें पूरा भरोसा है, इन्होंने पूरा भरोसा जताया है कि चुनाव में इस बार कृषि स्नातक चुनाव में मतदाताओं का इनको पूर्ण सहयोग मिलेगा और ये जीत कर सदन जाएंगे और सदन में शिक्षकों और शिक्षा के हित में लगातार अपनी बातों को मजबूती से उठाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। कैमरा पर्सन सलमान अनवर के साथ रविशंकर सिन्हा, सिर्फ टीवी भागलपुर। We'll be right back.